तकदीर को दिल से चाहना ज़रूरी है और अपने पीराने उज़्ज़ाम से दिलो जान से महब्बत करना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक मुर्शिद आला तरीन है, आप अपने सहाबी जो कि एक मुरीद आला तरीन है उनसे फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स तब तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो हर चीज से ज्यादा मुझे ना चाहे, हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो इस बात से साबित ये होता है कि एक मुरीद तब तक कामिल मुरीद नहीं हो सकता जब तक वो अपने पीर को हर चीज से बढ़कर ना चाहे। राह तरीकत में खुदा की रसाई के लिए तीन मंजिलें होती हैं। पहली मंजिल ही फनाफ़ शेख की है। अगर आप शेख पर फना नहीं हैं तो आप फनाफ़ रसूल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक आप फनाफ़ रसूल पर नहीं पहुंचेंगे, आप फनाफ़ अल्लाह की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसी बात को सूफी नूर शाह बीकानेरी अपनी मुकामी जबान में कुछ इस तरीके से बयान करते हैं कि आबाद खुदा रखे साकी तेरा मैखाना, हमेशा खुश रहे तू दुआए मुरीदाना। मुर्शिद की पहली मंजिल, फिर दूसरी नबी की, फिर तीसरी मंजिल पर खुदा का है ठिकाना, फिर तीसरी मंजिल पर खुदा का है ठिकाना। सुभान अल्लाह।